जब भी आती है बात शादी की तो आप या तो गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे कि नवंबर दिसंबर के शादी के सबसे शुभ मुहूर्त, वहाँ पे कई सारी डेट निकल कर आ जाएंगी, कई सारे पंचांग खुल जाएंगे आपके सामने। गलत मेथड है, वहाँ पे पता नहीं, आपको कुछ नहीं पता कि वहाँ पे वो शुभ मुहूर्त सच में किसी अच्छे विद्वान पंडित ने लिखा है या बस किसी ने एक ब्लॉग बनाने के लिए लिख दिया है। क्या है ग्रहों की चाल, सनातन रीतियों और ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से अंकों की इस रहस्यमय दुनिया को देखेंगे, सितारों के राज खोलेंगे। राधे राधे, एस्ट्रोलॉजी पंडित यूट्यूब चैनल के साथ राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपनी खुद की शादी की डेट निकाल सकते हैं। लेकिन शादी की डेट निकालने का काम तो पंडित पुरोहितों का है, पर आपको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और मैंने बात करी डेट ऑफ बर्थ से, पंडित जी जो आपकी शादी करवा रहे होंगे वो अपने पत्रा से और अपने पूरे तरीके से आपके लिए शुभ मुहूर्त, सबसे ज़्यादा अच्छा मुहूर्त निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। बट अंक ज्योतिष का ध्यान भी आपको उस समय रखना चाहिए जब आपकी शादी हो रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग मैरिज की डेट निकालने को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं और उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, अगर आज सीख लोगे तो जब कभी भी आपकी शादी होगी या आपके किसी दोस्त यार की शादी होगी तो उनको सजेशन देने में आप सबसे आगे रहेंगे। देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे नंबर वन, जब भी आती है बात शादी की तो आप या तो गूगल पे जाओगे, सर्च करोगे कि नवंबर दिसंबर के शादी के सबसे शुभ मुहूर्त, वहाँ पे कई सारी डेट निकल कर आ जाएंगी, कई सारे पंचांग खुल जाएंगे आपके सामने। गलत मेथड है, वहाँ पे पता नहीं, आपको कुछ नहीं पता कि वहाँ पे वो शुभ मुहूर्त सच में किसी अच्छे विद्वान पंडित ने लिखा है या बस किसी ने एक ब्लॉग बनाने के लिए लिख दिया है। दूसरा तरीका होता है कि कोई ना कोई पंडित जी या पुजारी जी आपके पास होते हैं, आपके घर के जानकार होते हैं, उनको दोनों ही वर की और वधु की कुंडली दिखाई जाती है, फिर वो अपना पत्रा खोलते हैं और वो आपके लिए डेट चूज कर देते हैं मैरिज के लिए। ये तरीका सबसे बेस्ट है, मैं भी इसको सबसे उत्तम तरीका मानता हूँ। अब कोई भी पंडित, कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो आपके घर के आसपास है, वो कभी भी सिर्फ एक तारीख नहीं बताएंगे आपको। और अगर बता रहे हैं तो अपना काम आसान कर रहे हैं। आप उनसे अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि पंडित जी मुझे थोड़ा वैरायटी तो दो, वैरायटी का मेरा मतलब यह है कि जैसे पंडित जी ने कहा आपको कि 11 नवंबर को शादी कर लो, इसका मतलब 11 नवंबर को शुभ मुहूर्त रहा होगा। पर आप अगर उनसे कहेंगे कि और कोई डेट है तो वो आपको बताएंगे 11 भी है नवंबर में, 13 भी है, 27 नवंबर भी है, 28 नवंबर भी है। अब जब आपके पास ये वैरायटी आ गई ना, ये ऑप्शंस आ गए, यहाँ पर अब आपको न्यूमरोलॉजी के साथ खेलना है। कैसे खेलना है? आपकी मैरिज आपकी डेस्टिनी है। लोगों की शादियाँ उनको बना देती हैं और लोगों की शादियाँ उन्हें बर्बाद भी कर डालती हैं। अच्छा खासा आदमी जो जीवन में बहुत खुश था, एक गलत शादी, एक गलत डिसीजन, पूरी लाइफ बेकार। और बेकार से बेकार आदमी शादी होने के बाद काम काज करने लग जाता है। पुराने ज़माने में लोग कहते थे घर में, अरे बेकार हो रहा है, बिगड़ रहा है, इसकी शादी करा दो, ये सुधर जाएगा। आई डोंट थिंक ये बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी ये बातें कही जाती हैं, आप लोगों ने भी सुनी होंगी। चलिए बहरहाल बात करते हैं कि अब जब आपके पास डेट्स के ऑप्शन आ गए, आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे नवंबर में शादी करनी है, अब पंडित जी ने शुभ मुहूर्त निकाल के, पहला स्टेप यही है, पंडित जी ने शुभ मुहूर्त देखते हुए आपको चार डेट्स के ऑप्शन दे दिए। वो नवंबर के भी हो सकते हैं, दिसंबर के भी हो सकते हैं, अप्रैल, मई, जून, किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपको जो करना है वो ये है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ का डेस्टिनी नंबर, या फिर जिसे मैं हिंदी में कहता हूँ भाग्यांक, इसको कैलकुलेट करिए। कैसे कैलकुलेट करना है, आई बटन में तो लिंक है ही, लेकिन मैं फिर भी इसमें आपको बता दे रहा हूँ। लेट्स सपोज आपकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1990, तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो डेस्टिनी नंबर होगा वो आप इस डेट में जितने भी नंबर दिख रहे हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। जैसे डेट का 9, सितंबर का 9, 1990 का 1+9+9+0। अब इन सबको जब आप आपस में ऐड कर दोगे, उसके बाद दो डिजिट का एक नंबर आ जाएगा। उन दो डिजिटों को फिर से आपस में ऐड करके सिंगल डिजिट में लेकर आना है और आपको वो सिंगल डिजिट मिलेगी नंबर 1। तो इस डेट ऑफ बर्थ का जो मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसका भाग्यांक या फिर डेस्टिनी नंबर हो गया 1। ओके, इतना ही काम आपको करना था, बाकी की चीज़ें बहुत आसान है। अब ये डेस्टिनी नंबर आप अपना खुद का भी कैलकुलेट करिए और आपके जो पार्टनर हैं उनका भी कैलकुलेट करके, उनका लेस सपोज आ गया 4, ठीक है। बस एक एग्जांपल मारा, डेस्टिनी नंबर आपको कैलकुलेट करना आ गया, अपना और अपने पार्टनर का आपने कैलकुलेट कर लिया, करेक्ट। आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने 1 और 4 का एक एग्जांपल मान लिया। अब अगर पंडित जी ने आपको शुभ मुहूर्त के लिए डेट्स के ऑप्शंस दिए थे 11, 13, 28 और 27, ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि आपके डेस्टिनी नंबर और आपके पार्टनर के डेस्टिनी नंबर के साथ कौन सी डेट फ्रेंडली है।
ओके अब ये कैसे चेक करते हैं, आपको तो शायद ना पता हो कि नंबर वन का फ्रेंडली नंबर कौन सा है और नंबर फोर का फ्रेंडली या फिर एनिमी नंबर कौन सा है। लीजिए चुटकियों में सॉल्व कर देता हूँ आपकी प्रॉब्लम। आपकी स्क्रीन पर एक चार्ट दिख रहा है, इसमें एक तरफ डेस्टिनी नंबर्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उसके फ्रेंडली और तीसरी तरफ उसके एनिमी नंबर लिखे हुए हैं। अब ये एनिमी नंबर और फ्रेंडली नंबर मैंने सिंगल डिजिट्स में आपके लिए लिखा है, इसका कारण है क्योंकि लेट सपोज 27 तारीख पंडित जी ने दी है तो आप इसको 27 मत देखिए, इसको 2+7 करके 9 देखिए। पंडित जी ने 28 तारीख आपको सजेस्ट करी है तो इसको 28 मत देखिए, 2+8 करके इसको 1 देखिए, करेक्ट। इसी तरह से अगर 13 है तारीख आपको बताई गई है तो 1+3 करके इसको 4 देखिए, तब आप बहुत ईजिली यहाँ पर चेक कर पाएंगे। चलिए अब हमारे इसी एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक लड़का है जिसका डेस्टिनी नंबर 1 है, लड़की है जिसका डेस्टिनी नंबर 4 है। इनके लिए ऑप्शन क्या थे, 11, 13, 27 और 28। 11 का क्या हो गया, जोड़ने पे 2 आ गया। 13 का क्या हो गया, 4 आ गया। 27 का क्या हो गया, 9 आ गया। 28 का क्या हो गया, 1 आ गया। ठीक है, तो 11 का जो 2 आया है वो नंबर 1 के साथ फ्रेंडली है और नंबर 4 के साथ न्यूट्रल है, ओके। 13 का जो 4 आया नंबर 1 के साथ न्यूट्रल है और 4 का एनिमी है, करेक्ट। अब जो आपको अगला एग्जाम्पल है 27 नंबर 9, नंबर 1 का बहुत फ्रेंडली है बट नंबर 4 के लिए तो एनिमी है वो, तो हम 27 को भी रिजेक्ट कर देंगे। 28 तारीख का 1 नंबर है, 2+8। अब नंबर 1 का 1 फ्रेंडली है, नंबर 4 का न्यूट्रल है, ओके। तो यहाँ पर कोई भी ऐसी डेट हमें नहीं मिली जिसमें दोनों के ही फ्रेंडली नंबर हों, ठीक है, यानी कि 1 का भी फ्रेंडली नंबर मिल रहा हो, 4 का भी फ्रेंडली नंबर मिल रहा हो। तो अब आप इन चारों डेट ऑफ बर्थ में से, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जिसमें 1 और 4 का दोनों का ही फ्रेंडली नंबर कोई हो, तो आप ऐसी डेट चुनिए जो कि एक की फ्रेंडली है, दूसरे की न्यूट्रल है, या दूसरे की फ्रेंडली है, पहले की न्यूट्रल है, ओके, इतना भी काम चल जाएगा आपका। एनिमी नहीं होना चाहिए, मेरा बस इतना कहना है। आपकी लाइफ का सवाल है, आपकी पूरी लाइफ का सवाल है, तो एनिमी नंबर पे आप शादी नहीं करेंगे। और इस एग्जांपल में इत्तेफाक से नहीं मैच किया, लेकिन आपके लिए हो सकता है कि और कोई एग्जाम्पल हो। लेट्स सपोज जैसे अगर पंडित जी ऐसी डेट दे देते, जैसे 23 नवंबर दे देते, तो 2+3 5 आता, 1 का भी फ्रेंडली, 4 का भी फ्रेंडली, आप उस 23 को डेट को शादी कर सकते थे, मैरिज कर सकते थे। एक बार समराइज कर दूं अपने पूरे वीडियो को, आपको क्या करना है, पहला है पंडित जी से कहिए कि नवंबर में शादी कर रहे हैं, अप्रैल, मई, जून, जिस भी महीने में कर रहे हैं, मुझे कम से कम 4 से 5 ऑप्शंस दीजिए शुभ मुहूर्त निकाल के। इसका मतलब एक चीज तो श्योर हो जाएगी कि इन सारी डेट्स में मुहूर्त बहुत अच्छे हैं, करेक्ट। दूसरे में आप, पहला हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी करी, अब दूसरे में आप न्यूमरोलॉजी कर ली, 360 प्रोटेक्शन मिल जाएगा आपको और आप हमेशा के लिए प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी मैरिज की डेट कैसे चूज करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये तो आप दोनों की कुंडली का मिलान जब मैं करूंगा तभी आपको बता पाऊंगा। इसी तरह की एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और पामिस्ट्री से जुड़े वीडियोस पाने के लिए एस्ट्रोलॉजी पंडित को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।